आज दिनांक 26 अगस्त 2024 को चंदेरी में जन्माष्टमी कार्यक्रम के विशेष रूप से पधारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने चंदेरी के लिए बहुत बड़ी सौगात प्रदान की है। उनके द्वारा चंदेरी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करते हुए इसे तीर्थ के रूप में विकसित करने की स्पष्ट घोषणा की गई है और चंदेरी को मध्य प्रदेश के अन्य तीर्थ क्षेत्र में जो विकास हो रहा है उसके साथ जोड़ते हुए चंदेरी का भी विकास किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, ये भी कहा कि आज बड़ा पवित्र दिन है, आज आप जो भी मनोकामना मांगेंगे सब पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर घोषणा करता हूँ। और आज चंदेरी को ये महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सौगात प्रदान की है, जिसकी मांग चंदेरी को माननीय विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी एवं चंदेरी निवासी तथा सत्ताधारी पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी जी के द्वारा संयुक्त रूप से ये मांग रखी गई थी। अशोकनगर जिला कलेक्टर सुभाष त्रिवेदी जी ने भी इस मांग पर अपनी सहमति व्यक्त की थी, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी सौगात के रूप में चंदेरी को प्रदान किया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। चंदेरी के आज जोश उत्साह और उमंग भरे वातावरण में भगवान कृष्ण का जो जन्मोत्सव मन रहा है, ऐसा लग रहा है कि मथुरा भी शरमा जाएगी हमारी चंदेरी के आगे, ये वातावरण आज यहां बना है। क्या जोश, क्या उमंग, बरसात से होड़ लगी, बारिश हो रही है, गीले हो रहा है, लेकिन दौड़ रहा आगे आगे अपने अपने ढंग से, जिसको जैसा लग रहा है। हमारा कन्हैया ऐसा आकर्षित करता है, जैसे ऐसा लग रहा कि हमारे अभी हाल बिल्कुल थोड़ी देर पहले चौराहे पे ही मिले हो, हमारे को अभी बुला ही रहा है जैसे आशीर्वाद देने के लिए। जोरदार करतल ध्वनि से अपना देवता का अभिनंदन करें। कितने रूप में पूजा जाता है उनको, कितने रूप में, कौन कौन से रूप की बात करें, कोई एक रूप हो तो बताओ, एक व्यक्ति कितने प्रकार के जीवन जी सकते हैं, लेकिन सब में जी करके कमल के पुष्प की तरह किसी में लिप्त नहीं, सबसे निर्लिप्त, सबसे ऊपर,